हाय गाइस, मेरा नाम है दीपिका। दीपा सॉफ्टवेयर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक और नया वीडियो लेके आ गई हूँ कैट के ऊपर। कैट आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको और कुछ बनवाना हो या फिर और कुछ का डिमांड हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये कैट आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पीच कलर का वेल्वो थोड़ा सा ही चाहिए सिर्फ कान के लिए। और ये वाला है व्हाइट कलर का शॉर्ट फर 20 cm, आप चाहें तो लॉन्ग फर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है स्टफ़, आपको 50 ग्राम के करीबन चाहिए। मार्किंग के लिए मार्कर या फिर चॉक ले सकते हैं, सीजर, नेल और थ्रेड। और आप आइज़ कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैक कलर का आइज़ और नोज़ पिंक कलर का ले सकते हैं। आप चाहिए आपको ये कटिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल। ये ईयर पार्ट है, आप एक मेन कलर और एक कॉन्ट्रास्ट कलर में कट कीजिएगा और उसको इसी तरह रख के यहाँ से यहाँ तक स्टिच होगा। स्टिच कैसे होता है देख लीजिएगा, पहले किनारों को एक एक टक लगा दीजिएगा, उसके बाद आप स्टिच करना स्टार्ट कीजिएगा। इसी तरह दोनों पार्ट को देखें, यहाँ से यहाँ तक स्टिच कीजिएगा। दोनों पार्ट को स्टिच करने के बाद ये पूरा फेस पार्ट है, इतना ही आप लोग फेस पार्ट को निकालेंगे। और देखिए ये जो डार्ट पार्ट था उसी जगह स्टिच कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी जहाँ लिखा है, यहाँ से यहाँ तक ई तक स्टिच होगा। पहले यहाँ से यहाँ तक स्टिच होगा, उसके बाद उसका जो पूरा गोलाई है वहाँ से पूरा स्टिच हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक एक टक लगा दीजिएगा, मैं एक एक टक लगा रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप भी ऐसे ही कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो और आपको अच्छे से पता चले कि कौन सा पार्ट स्टिच करना है। यहाँ से स्टिच कर लीजिएगा। देखिए पूरा स्टिच हो गया, उसके बाद हम लोग इसका साइड फेस लगाएंगे। देखिए दो पीस कट कीजिएगा और देखिए यहाँ पर M और ये M मिला के जैसे स्टिच होगा, कुछ इस तरह स्टिच होगा। जहाँ M लिखा है उसी जगह को ही आप रखिएगा। देखिए यहाँ पर M लिखा है तो M को M की जगह यहाँ से यहाँ स्टिच होगा। देखिए रख के पूरा यहाँ से यहाँ स्टिच होगा। स्टिच होने के बाद इस तरह दिखेगा, देखिए। उसके बाद हम सेंटर वाला हेड ये वाला लगाएंगे, सेंटर वाला हेड। मैं अंदर से ईयर स्टिच नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मोटा कपड़ा है तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा और स्टिच करने में आसानी नहीं होता है, इसीलिए मैं बाहर स्टिच करूँगी। देखिए डी से डी को पहले एक टक लगा दीजिएगा। देखिए जो साइड फेस है उसी में डी लिखा हुआ है, वहाँ पर एक टक लगाइएगा। उसके बाद इसको पूरा एक ही जगह समान रूप में लगा के उसको आगे यहाँ से देखिए ये वाला कोनाई है, इस कोनाई को इस कोनाई से स्टिच कीजिएगा। और ये जो बाकी रह गया हम लोग स्टिच नहीं किए थे, अब हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, हाँ ये वाला हिस्सा को स्टिच कर लीजिएगा, पूरा स्टिच कीजिएगा। उसी तरह अगले साइड भी स्टिच कर लीजिएगा। अब यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लीजिएगा, पूरा हेड को स्टिच कर लीजिएगा। देखिए ये बॉडी पार्ट है, इसको दो दो पीस कट कीजिएगा कुछ इस तरह। उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ मार्क दिया गया है उसी तरह दो दो पीस कट कीजिएगा, रिवर्स रख के कट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से रख के
ई से लेके जी और एफ तक स्टिच कीजिएगा। देखिए मैं एक एक टक लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा, उसके बाद स्टिच करना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए मैंने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया, अब आपको इस दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक टक लगाइएगा और जहाँ ओपन रखा गया है उसी जगह ओपन छोड़ दीजिएगा ताकि हम लोग स्टफ डाल सके। और उसके बाद पूरा बॉडी जहाँ से पूरा टेल तक और ऊपर का पूरा स्टिच कीजिएगा। देखिए पूरा स्टिच हो गया, कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम लोग हेड को ज्वाइंट करेंगे। देखिए हेड का यहाँ पर ई लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई को जहाँ पर ई लिखा होगा वहीं पे स्टिच कीजिएगा। एक्चुअली दोनों तरफ ही ई लिखा गया है, राइट या लेफ्ट, आप जिस तरफ चाहें आपका हेड उसी तरफ रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ई लिखा है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर इसके अलग साइड भी देखिए ई लिखा है उसी तरफ भी हेड रख सकते हैं। अगर राइट की तरफ हेड रखेंगे तो उसको सीधा करने के बाद उसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा, या फिर मतलब ई लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो आप जिस भी तरफ रखिए ठीक ही लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरफ ई लिखा और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ एक टक लगा दीजिएगा, और मैं जहाँ जहाँ टक लगा रही हूँ आप देख लीजिए, उसके बाद वहीं वहीं टक लगाइएगा, उसके बाद ही आप स्टिच कीजिएगा। देखिए पूरा स्टिच हो गया हेड, देखिए यहाँ से पूरा गोलाई में स्टिच हो गया। उसके बाद हम लोग इसको सीधा करेंगे और उसका आईज लगाएंगे, नोज़ लगाएंगे। आपके पास आईज नोज जिसका भी हो, कैट का हो या फिर टेडी का हो, उसका लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आईज का मार्क दिया गया है, उसको उल्टा करके ही आप मार्किंग करके लगा दीजिएगा। मेरे को आदत हो गया है तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही कट कर लिया। देखिए ईयर जहाँ यहाँ पर कटिंग हुआ है, साइड फेस का जो कट है यहाँ से लेके कहाँ यहाँ तक स्टिच कीजिएगा। देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा।